हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्स ब्लॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमारे पास एक एल्स ब्लॉक भी होता है, जिसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें एक्सेप्शन जो है वो जनरेट नहीं होती। तो जब भी हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती, तब हमारा जो है वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक है वो एक्सेप्ट के बाद हम हमेशा एल्स ब्लॉक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर लेट से यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारे कोड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है जी। तो अब हम अभी तो क्या है, हमारे कोड में यहाँ पे एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पिछले ही वीडियो का ही कोड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं एल के लिस्ट के, लेकिन इसके अंदर थर्ड इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अभी इसके अंदर मतलब कि हमारी जो है वो एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो अगर हमारी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, सेव करने के बाद और फिर इसको यहाँ पे मैं रन करूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट मिलती है। हमने क्या किया, इसको रन किया, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स एल्स। तो यहाँ पे मैं एक गड़बड़ी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एल्स को जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको इसको एंड में लिख रहा हूँ, तो ये हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक है इसके बाद हमें यहाँ पे एल्स लिखना होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अब सेव करके रन करूंगा तो अब हमारा ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो हमारे कोड में यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट है, इसलिए इसने क्या किया, एल्स ब्लॉक को यहाँ पे प्रिंट नहीं करा है, ठीक है। एल्स ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है अगर हमारे कोड में कहीं पे भी एक्सेप्शन ना हो। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे टू कर दूं, तो अब हमारे कोड में कोई भी एक्सेप्शन जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो अब हमारा जो है वो एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूं, तो यहाँ पे ये देखिए जो सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट है 3, वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक की जो आउटपुट है, सॉरी एल्स ब्लॉक की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एल्स ब्लॉक के बाद फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल जैसे बाकी लाइन्स हैं वो चल रही हैं, ठीक है जी। तो एल्स ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर तभी हमारा एग्जीक्यूट होता है जब हमारे कोड में कहीं पे भी जो है वो एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती। तो गाइज, ये है हमारा एल्स ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।